तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक शीट है जिसका नाम है परचेज सेल्स स्टॉक। अब इस शीट में क्या होना है कि जो आइटम हम सेल करते हैं हमारे पास उनकी एक लिस्ट हमें क्रिएट करनी है जो कि हम बनाएंगे स्टॉक वाले सेक्शन में। ठीक है, तो स्टॉक वाले सेक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये वो आइटम है जो हम सेल करते हैं अपनी शॉप पर या अपनी वॉट एवर जो भी जगह है। ये आइटम कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह के आइटम हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने पहले लिख लेने हैं। आप लिखने के बाद ये जितनी बड़ी भी लिस्ट है इसको सेलेक्ट करके एक नाम असाइन कर देना है। जैसे मैंने इसको फार्मूला में जाके डिफाइन में नाम जाके मैंने दिख दिया सपोज टू बी न्यू आइटम्स। ठीक है, ये न्यू आइटम्स मैंने विदाउट स्पेस विदाउट नंबर नाम रखा है, आपने भी ऐसे रखना है, ओके कर देना है। जब ये नाम आप रख देंगे तो ये न्यू आइटम्स जो है आपको नाम यहाँ नजर आएगा। उसके बाद अगर आप चाहें नेम मैनेजर में जाके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू आइटम्स पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा कोई नया नाम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन को इन सेल्स को हमें बाउंड कर देना है उन आइटम के नेम से, ताकि जब भी कोई आइटम हम खरीदें या बेचें तो उन्हीं आइटम का नाम लिखें जो उधर ऐड है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे इसमें डेटा में, और डेटा में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से क्लिक करेंगे लिस्ट पर, और लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और फार्मूला पे जाके यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करेंगे और न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अप्लाई हो जाएगा। वंस अगेन यही प्रोसेस हमें सेल्स वाले रजिस्टर पे करना है, सेलेक्ट करना है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, और डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना है यस पर, और यहाँ से क्लिक करना है लेना है ऑप्शन लिस्ट का। लिस्ट लेने के बाद फार्मूला में जाना है, यूज इन फार्मूला पे क्लिक करना है और न्यू आइटम्स यहाँ भी सेलेक्ट कर देना है। इससे होगा ये दोनों कॉलम्स इन आइटम्स के नाम से बाउंड हो जाएंगे, मतलब इनके अलावा कोई और एंट्री इसमें नहीं की जा सकेगी। इससे फायदा ये होगा कि हमें एक तो लिखना नहीं पड़ेगा, दूसरा स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे आइटम की लिस्ट हमें यहाँ पे नजर आने वाली है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने क्लिक करना है परचेस रजिस्टर पे। देखें जो चीज़ हम खरीदेंगे वही बेचेंगे, तो कुछ हमें परचेज की एंट्री कर लेनी है। जैसे 29 जुलाई को हमने क्या खरीदा, हमने यहाँ से खरीदा माउस, कितने पीस खरीदे 50। फिर 29 जुलाई को हमने कीबोर्ड खरीदा, फिर यहाँ पे खरीदे 75 पीस खरीदे, फिर 29 जुलाई को हमने यहाँ पे लैपटॉप खरीदे। अब लैपटॉप हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है इसलिए एरर दे रहा है। देखिए हमारे लिस्ट में क्या शामिल है उसको चेक कर लेते हैं। जॉयपैड खरीदे, सपोज टू बी 76 जॉयपैड खरीदे। जैसे जैसे आइटम खरीदते जा रहे हैं उसी सेल डेट में सेल भी करते जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ऑर्डर आ गया 29 जुलाई को ही, और वो आइटम आया माउस, क्योंकि हमारे पास तीन आइटम है तो माउस की सेलिंग का ऑर्डर आ गया, तो हमने उसमें से 20 माउस बेच दिए। फिर दोबारा से एक ऑर्डर आ गया 29 जुलाई को ही, तो उसमें हमारे पास आया कीबोर्ड का ऑर्डर आया, उसमें से हमने 10 कीबोर्ड बेच दिए। फिर एक शख्स का ऑर्डर आ गया और वो फिर सेल हो गए, दोबारा माउस लेने आ गया, और इस तरह से हमने फिर से माउस बेच दिए। तो ये हम लिख रहे थे माउस बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं, कीबोर्ड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह फिर और सामान हमने खरीदा, क्योंकि कारोबार में खरीदारी और लेन देन चलता रहता है। तो हमने यहाँ पे 25 सीपीयू खरीद लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का क्या काम है, स्टॉक रजिस्टर का ये काम है कि स्टॉक रजिस्टर का क्या काम है इसके अंदर, तो इसमें काम ये स्टॉक रजिस्टर का कि आपने कितना आइटम कितना खरीदा है उसकी परचेजेस बताए, और कितना आइटम कितना बेच दिया है उसका सेल्स बताए, और अब आपके पास वो आइटम कितना पड़ा हुआ है उसका स्टॉक बताए। तो ये मालूम करने के लिए आपने पहले आइटम के सामने जो परचेज है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करके आपने जाना है फार्मूला में। फार्मूला में जाने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ से मैथ्स एंड ट्रिक्स पर, और यहाँ से एक फंक्शन लेना है जिसका नाम है सम इफ। जैसे इस फंक्शन को आप लॉन्च करेंगे तो ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा। सवाल नंबर एक पूछेगा रेंज बताएं। यहाँ पर आपने रेंज वो बतानी है जिसमें कलेक्शन में डेटा है, मल्टीपल डेटा रेंज में है। तो यहाँ पर आप परचेज की मालूम करना चाह रहे हैं तो आपकी रेंज होगी यहाँ पर परचेज वाला, ये पूरा कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर बात है क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया में हम इसे बताएंगे जो हमारा ये वाला रजिस्टर है स्टॉक रजिस्टर का, ये वाला माउस वाला सेल। अब क्या कह रहे हैं, इस पूरी रेंज के अंदर C3 से C
C5 से C31 की जो पूरी रेंज है इसके अंदर सर्च करना है जो H5 में है, और जो H5 में है वो क्या है, H5 में है माउस। तो उसके बाद ये कह रहा है अच्छा जहां जहां ये माउस मिलता जाए, मतलब जहां पे ये माउस मिलता जाए उसको क्या करना है। हमने कहा फिर उसके बराबर वाले कॉलम को, उसके बराबर वाले कॉलम को यानी कि इस कॉलम को, क्वांटिटी वाले कॉलम को, जहां जहां माउस उसको फाउंड होता जाए तो क्वांटिटी वाले कॉलम को उसमें से उसकी वैल्यू लेके प्लस करता जाए, उसमें से उसकी वैल्यू लेकर प्लस करता जाए। और जैसे ही ओके करेंगे तो इसने बताया कि आपने टोटल माउस की जो खरीदारी की है वो कितनी की है, 50। चेक कर लेते हैं, देखें हमने यहाँ पे माउस खरीदे थे 50, तो वहाँ पे भी 50 बता रहा है। अब हमने माउस और खरीद लिए, आज की डेट में हमने और माउस खरीद लिए, और माउस की एंट्री जैसी की यहाँ पे हमने माउस खरीदे 40 मजीद, तो स्टॉक में हमारे पास परचेस रजिस्टर में कितनी एंट्री आ रही है माउस की, 90। इसी को अगर हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो ये हर आइटम की एंट्री आपके सामने ले आएगा। यहाँ बता रहा है माउस आपने अभी तक 90 खरीदे हैं, कीबोर्ड आपने 75 खरीदे हैं, LCD आपने 0 और CPU अभी आपके पास 25 खरीद चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे सेल्स पर, सेल्स पर क्लिक करके सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कैसे, मैथसन ट्रिक्स समिफ, और इस बार आपका रेंज होगा सेल रजिस्टर का ये वाला कॉलम, और क्राइटेरिया सेम होगा जो आपने इसमें बताया था, परचेज वाले में बताया था, स्टॉक का पहला आइटम, और इस दफा सम रेंज होगी आपकी सेल्स की क्वांटिटी वाला सेल पूरा कॉलम। और जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो हमें बता रहा है कि 90 माउस खरीदे आपने और 30 बेच दिए, तो यहाँ पे देखिए 20 यहाँ बेचे थे और 10 यहाँ बेचे थे, तो टोटल कितने हो गए, 30। तो यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो हर आइटम का जो सेल का टोटल है ये ले आएगा, कि अब तक कीबोर्ड 10 बिक चुके हैं, सीपीयू को ही नहीं बिका, चले हम सीपीयू बेच देते हैं। यहाँ पे हमने एक एंट्री करी और यहाँ पे हमने सीपीयू की एक एंट्री डाली, और यहाँ पे हमने लिखा सपोज टू बी हमने 5 सीपीयू सेल किए, जैसे एंट्री करेंगे तो सेल्स के अंदर सीपीयू की एंट्री कितनी आ गई, 5। एक और ग्राहक आ गया और उसको फिर हमने सीपीयू भेज दिए, तो हमने दोबारा सीपीयू सेल किए, यहाँ पे क्लिक किया और उसको 3 सीपीयू बेचे, तो 3 की एंट्री करी तो टोटल कितने हो गए सेल्स के अंदर, 8। तो एक डिजिटल पूरा शीट हो गई आपकी ये, बस अब आप माल खरीदते जाएं, बेचते जाएं, खरीदते जाएं, बेचते जाएं, ये हिसाब खुद बना रहा है कितना खरीद लिया कितना बिक गया। अब बाकी कितना मेरे स्टॉक में बचा है मेरे लिए निकालना आसान है, यहाँ पे क्लिक किया स्टॉक पर और थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लिया, और यहाँ पे मैंने सम किया ऑटो सम, और जो मेरा परचेजेस था उसमें से माइनस कर दिया सेल्स को, और जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास माउस की क्वांटिटी आ गई कि अब मेरे पास स्टॉक में 90 माउस हैं, और मैंने नीचे इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, बंद कर, ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास जो है ना, जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे, जू जू हम माल खरीदते जाएंगे, सपोज हमने यहाँ पे कीबोर्ड खरीद लिए और फिर हमने यहाँ पर हमने कुछ और बेच दिया, सपोज टू बी कीबोर्ड बेच दिए, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है कि मेरी परचेजेस कितनी होती जा रही हैं, उसमें सेल कितना होता जा रहा है और बाकी कितना बच रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ये इस तरीके से आप ये शीट पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं।